अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकलते हैं। तो पिछले लेसन में कुछ सीखा था, इसमें उस पर कुछ उसके अप्लाइड एग्जांपल्स। सपोज हमें निकालना है इसकी वैल्यू 4 2 4 3 6। ठीक है, तो बना लिया इस तरह से 4 2 4 3 6, यहाँ लिख लिया। अब इस पे पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग इसमें ज्यादा राइट साइड करते हैं, दो दो की, दो दो, और यहाँ एक बच गया। ठीक है, 4। अब फिर नंबर खोजेंगे ऐसा कि उसका स्क्वायर 4 से बड़ा ना हो। ठीक है, 4 तक पहुंच सकता है लेकिन 4 से बड़ा ना हो, तो ऐसा नंबर 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ 0 आ गया, और यहाँ इन दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ घटाते हैं, तो ये हो गया 4। ठीक है, अब बचा बॉक्स, यहाँ बॉक्स बनाते हैं, एक यहाँ एक बॉक्स बनाते हैं, 24 को नीचे उतारा। ठीक है, अब हमें यहाँ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है, यहाँ यहाँ एक सेम नंबर रखना है, और इस तरह से रखना है कि इसमें इस पूरे नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 24 से ज्यादा ना हो। तो अगर हम सपोज 1 रखते हैं तो ये 41 हो जाएगा। ठीक है, 41 24 से ज्यादा हो गया, तो 1 नहीं रख सकते, तो 1 नहीं रख सकते, तो 2 भी नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि 1 रखने पे ज्यादा हो जा रहा है, तो 2 रखने पे तो ज्यादा हो ही जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 रखेंगे। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 40 में, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 24 बच जाएगा, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 40 प्लस 0 40 हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ बॉक्स बनाएंगे, यहाँ बॉक्स बनाएंगे, और इसको थोड़ा नीचे तक बढ़ा देंगे, और यहाँ 36 को नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक नंबर भरना है। ठीक है, तो क्या भर सकते हैं, अब 6 है, तो लास्ट में या तो 4 होगा या तो 6 होगा, तो 404 रख के देखते हैं एक बार। तो 404 में 4 का गुणा करेंगे तो 1616 आएगा, तो ये नहीं होगा। 4 6 रखते हैं, तो 6 6 के 36, और 6 6 24। ठीक है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो 2436 आ गया, इसको घटाया तो यहाँ 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारा काम हो गया, और ये 4 0 6 हो गया, 4 0 12। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं वैसे में, और यहाँ पे एक बार 0 लिखा था, तो यहाँ 0 लिखेंगे, और यहाँ 6, तो हमारा आंसर हो गया 206। ठीक है, आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारे पास अड़तीस हजार 25। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि 0 भी लिख सकते हैं, जो बॉक्स हमने बनाया वहां 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि 1 2 3 हो, 0 भी हो सकता है। उसी तरह से ये है, इसको देखते हैं, 38025, पेयरिंग करते हैं दाहिने साइड से, तो दो दो की पेयरिंग चलेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 लिया 1 लिया 1 हो गया, यहाँ पे यहाँ 2 बचा 2 बचा, इन दोनों को जोड़ दिया, 2 हो गया, फिर 80 नीचे उतार लिया। ठीक है, और यहाँ 1 लिखा था, तो यहाँ 1 किया, अब यहाँ पे बॉक्स बनाया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, तो करके देखिएगा, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक है, तो 29 × 9, 9 × 81 ऐसे लगाए, 9 × 2 = 18 8 = 26, तो 261 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से घटा दिया इसको, तो यहाँ 19 आ गया, और इन दोनों को जोड़ दिया, तो 19 9 29 9 38 हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ बॉक्स बनाते हैं, यहाँ बॉक्स बनाते हैं, और यहाँ हमें एक नंबर लिखना है,
और यहाँ 19 बचा, और फिर ये 25 उतर जाएगा नीचे, ठीक है, इसमें आ गया। तो अब हमें नंबर खोजना है, तो यहाँ लास्ट में 5 है, तो 385 ट्राई करते हैं। यहाँ पे बचे 25, ऐसे लगा 2, 5 8 40, 2 42, ऐसे लगा 4, 5 के 15, 4 19, तो 1925 आ गया। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ 5 लिखे तो 1925 आ जाए या कुछ बन ही जाए, ठीक है, अगर उसका स्क्वायर रूट होगा तो ही बनेगा वो, ठीक है। तो यहाँ 5 था इसलिए मैंने 5 ट्राई किया, तो मैंने एग्जाम्पल ऐसा लिया है कि उसका स्क्वायर रूट निकल जा रहा है, होल नंबर है उसका स्क्वायर रूट, इसलिए आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिया, यहाँ 5 लिया, ठीक है, और यहाँ पे 9 लिया था, 9 लेंगे यहाँ पे, और यहाँ 5 लेंगे, ठीक है, तो इसका अंडर रूट हो गया 195, ठीक है। तो हो गया इस तरह से एग्जांपल। अब आगे देखते हैं कि डेसिमल्स का कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट लेसन में देखेंगे।